अपना कानपुर में, कानपुर जानते हो ना, कानपुर बहुत फेमस सिटी है यार, आईआईटी कानपुर बहुत बहुत फेमस सिटी है कानपुर अपनी। तो कानपुर में आज अपना कॉन्सर्ट है, लाइव कॉन्सर्ट है वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में, वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में। तो अभी कॉन्सर्ट है, अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा कॉल आएगा। मेरे बैंड मेंबर्स रेडी हो रहे हैं और मेरे मैनेजर जो हैं संप्रीत भाई वो आएंगे अभी बोलते हुए, चल मोहित निकलना शो के लिए। तो अभी तुम्हारा मोहित जो तुम्हारा एमजी है, मोहित गौड़ है यार, वो ना अभी थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा एक्साइटेड, दोनों है। एक्साइटेड इसलिए कि परफॉर्मेंस है ना अपन को बहुत प्यारा है। अच्छा पहले मैं तुमको बताता हूँ कि लाइव चैट क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बस मेरे को यार मतलब कोई बात करने के लिए चाहिए था, सच बताऊँ तो। मतलब मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था, तो मेरे ऐसा लग रहा था कि इसे शेयर करूँ। तो मैं सोचा और कौन है, अपने भाई लोग हैं ना, अपने तुम सब दोस्त लोग हो ना। तो अभी आज संडे है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं लाइव तुम्हारे साथ जा पाऊंगा 9 बजे, क्योंकि आज कॉन्सर्ट रहेगी ना अपनी वहीं पे वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में। इसलिए तो अभी तो बस यार मेरे को ना बड़ा नर्वस सा फील हो रहा था, नर्वस और थोड़ा सा मतलब ऐसा ऐसा ही कि क्या होगा, क्योंकि थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ी ऐसी जो थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभी। तो बस वही सब तुम्हें बताना था। और हे शान शनाया सिंह, हाय आरुषि रहमान, ईशु अग्रवाल कह रही है ऑल द बेस्ट, यशवंत सिंह कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो, अर्णव रॉय कह रहे हैं हेलो एक बार हेलो बोल दो मेरा नाम लेके, गौरव चाटरोड़ चित्रोड़े कह रहे हैं कि ऐ दिल है मुश्किल सॉन्ग प्लीज। गौरव चित्रोड़े तुमको पता नहीं है, लेकिन आज जो मेरी कॉन्सर्ट है उसमें मैं ऐ दिल है मुश्किल भी गाने वाला हूँ कानपुर के लोगों के लिए, और कानपुर के लोगों के लिए बहुत सारा मैंने स्पेशल कुछ सोचा है, देखते हैं आज क्या होता है। कोशिश करूंगा कि अगर हो पाया तो वहां पे जब भी कॉन्सर्ट स्टार्ट होगी तो वापस से लाइव जाऊंगा। तो आई होप कि तुम सब उस टाइम अवेलेबल हो, ऑनलाइन हो, तो तुम सब लाइव कॉन्सर्ट देख सकते हो कानपुर वाली, मजा आएगा। तुम सबके लिए भी गाऊंगा, उन सबके लिए भी गाऊंगा मस्त। तो ऐ दिल मुश्किल सॉन्ग में गाने वाला हूँ आज के शो में। तो वैद्य ही ठक्कर कह रहे हैं सो क्यूट, यशवंत सिंह कह रहे हैं अच्छा ही होगा कॉन्सर्ट भाई डोंट वरी। तो देखो यार क्या बात है, थैंक यू सो मच यशवंत भाई। नेहा शाह कह रही है चिल कुछ नहीं होगा बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू नेहा। हार्टेस्ट धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं भाई यार मैं बहुत सैड हूँ, क्यों भाई। चिंतन पटेल कह रही है हाय। साकेत विश्वास कह रहे हैं हाय। हर्षा माहेश्वरी कह रहे हैं हाय। अच्छा अभी ना बेल बज चुकी है मेरे रूम की, तो शायद आई थिंक कॉल आ चुका है और अभी टाइम है कॉन्सर्ट के लिए जाने का। लेट्स सी, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट निकलेंगे, 5 मिनट ठीक है। तो ये सनप्रीत है जिसके बारे में तुमको बता रहा था। तो अभी बस सनप्रीत अपने मैनेजर भाई है और ये सब कुछ मैनेज करते हैं अपने लिए। तो अभी बस वेट कर रहा था मैं इन्हीं कॉल का, ये बोल रहे हैं कि कितना टाइम अभी, 5 मिनट, 5 मिनट अपनी लाइव कॉन्सर्ट शुरू होने में कानपुर में। तो कानपुर वालों और तुम सब वालों, मेरे वालों, मोहित वालों, 5 मिनट और रुक जाओ। फर्स्ट लाइव इन कॉन्सर्ट इन कानपुर, पहला लाइव इन कॉन्सर्ट अपना कानपुर में, थक थक हो रहा है। चलो संदीप को मुझे बताना है ना। ओके यू बताओ जरा। अरे ये तो बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, रुको दिखाऊं तुमको, कैसे दिखाऊं कि मैं कैसा क्या पहना है मैंने, आज का गेटअप दिखा देता हूँ। अरे यार कैसे दिखाऊं, ये देखो अभी सेल्फी में कैसे दिखाऊं यार, जा इसको ऐसे करने दे, मेरे साथ देख पाओगे। हाँ तो जी ये पहना है तुम्हारा दोस्त ने, देख लो ऐसा सा है कुछ कॉस्ट्यूम, अरे मतलब बढ़िया है। और इस पर अपने रॉकस्टार ग्लासेस तो आने ही है, तो रॉकस्टार ग्लासेस आने के बाद में और कूल हो जाएगा सब कुछ। रॉकस्टार ग्लासेस आने के बाद में सब सेट है, आई सेट। तो अंशुल चिकार कह रही है गुड लक जान, थैंक यू सो मच जान। प्रीति सैनी कह रही है ऑल द वेरी बेस्ट मोहित, थैंक यू प्रीति सैनी। अनुराधा सुसान मैथ्यू कह रही है लव यू मोहित, आई लव यू टू। सरगुन शीन राणा कह रहे हैं ऑल द बेस्ट मोहित, थैंक यू। मोहित वर्षन कह रहे हैं एकदम मस्त कूल। फिजा पता कह रही है ऑसम। राशिद कह रहे हैं कि स्मार्ट लग रहे हो भाई आप, टेंशन वेंशन मतलब ये सब की कैसे लग रहे हो, क्या बात है, थैंक यू राशिद भाई। रुचि जैन कह रही है मस्त। फैजाली कादरी कह रही है एक नंबर बिड़ू। जसप्रीत सिंह कह रहे हैं मस्त लग रहा है भाई, है क्या बात है। कविता शर्मा कह रही है एकदम मस्त झक्कास, वाह मतलब बताओ इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ गए, मतलब स्मार्ट तो लग रहा हूँ आज तो, कह डाल देंगे भाई। जैसे मेरा दोस्त है दीपक, वो कहता है कलेश मचा देंगे कलेश। तो अभी ना अब तुम सबसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो किससे बात होगी कॉन्सर्ट से पहले। तो यही था यार, थोड़ा सा लग रहा था नहीं क्या होगा, क्योंकि होता है होता है होता है। और तुम सब बताओ, तुम सबका क्या चल रहा है, कैसे हो तुम सब यार, हाँ बताओ, ये तो बता ही नहीं। हाँ जब तक तो बुलाने जाने तब तो ऐश करेंगे, तब तो बातें करेंगे अपन सब, फिर बुलाने चलाएंगे तो क्या करें, जाना ही पड़ेगा।
हाँ तो जी, तुम सब बताओ कैसे हो। अनमोल अग्रवाल कह रहे हैं फाड़ू है भाई, शिवराज शर्मा कह रहे हैं खू, पटेल हर्ष कह रहे हैं क्यूट बॉय, यश शोभवानी कह रही है हे, हेमानी जैन कह रही है टू स्मार्ट भाई, थैंक यू यार। गणेश चंद्र कह रहे हैं ऑसम ब्रो, थैंक यू गणेश भाई। यश नाई कह रहे हैं मोहित भाई आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। अरे यश नाई क्या बात कर रहे हो यार। देखो यश भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जान पूछे तुम में से किसी का नाम नहीं लूं। मुझे जैसे ही जिसका भी कमेंट दिखता है ना, मैं उसी टाइम रिप्लाई कर देता हूँ। अरे तो तुम कोई और थोड़ी ना हो यार, तुम अपने हो, अपने दोस्त हो, अपने भाई हो, अपने लोग हो, सब के सब। तो यशवंत सिंह कह रहे हैं बिल्कुल मस्त, अंशु लगा रहे हैं शूट चल रहा है, क्या बात है, शूट वूट चल रहा है अंशु है, क्या बात है भाई। अदिति ठाकुर कह रही है हाई मोहित, लव यू, आई लव यू टू अदिति। वाह रे, आज तो बहुत सारे लव यू आ रहे हैं, मतलब वाकई स्मार्ट लग रहा हूँ। कहता कमी ना होना, मैं ऐसा ही मैं ऐसा ही मैं। हाँ तो जी, भावेश पांडे कह रहे हेलो जी, अरोशी रहमान कह रही क्यूट स्माइल, थैंक यू अरोशी। हेली शाह कह रही है ए टी बी ऑल द बेस्ट, ओहो निक, मतलब छोटे वर्ड्स में ए टी बी ऑल द बेस्ट। निशा खत्री कह रही है ऑसम, शेख अरशाद कह रहे सुपर मोहित, गौरव खामुकर मोरकर कह रहे हाय, भावेश पांडे कह रहे हाय मोहित, हाय भावेश। तरुण जैन कह रहे मेरा तो नाम लिया ही नहीं यार। अरे लिया ना तरुण भाई, देखो तरुण जैन का भी लिया और तरुण शर्मा का भी लिया। पटेल कह रहे मोहित भाई कैसे हो, क्यूट बॉय, मस्त है तुम्हारा क्यूट भाई एकदम मस्त। तो जी चलो मैं तुम्हें और कुछ बता दूं कि आज मैंने क्या क्या प्लान किया है, ठीक है ना। तो तुम सबसे तो शेयर कर ही सकता हूँ जैसे हर बार करता हूँ। तो अब फर्स्ट गाना तो मैं सोच रहा हूँ आज ना फर्स्ट एंट्री वाला सॉन्ग करूंगा, जिंदा है तो मतलब जिंदा है तो अपना, मतलब मेरा एक तरह से सबसे फेवरेट गानों में से एक है और बहुत पावरफुल सॉन्ग है, तो ऐसा मेरे लगता है कि इम्पैक्टफुल रहता है वो एंट्री के लिए सॉन्ग। सेकंड में करने वाला हूँ सॉन्ग लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, ताकि उन सबको पता चल जाए कि वो जो स्टेज पर गा रहा है वो बंदा, वो मोहित ही है, वो जिंदा करके वही पागल सा एक बावड़ा आदमी नहीं है, वो मोहित ही है उनका। तो इसलिए लाखों है निगाह में गाऊंगा सेकंड सॉन्ग। और फिर ना आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज सोची है, आज एक कॉन्सेप्ट सोचा है मैंने आज के शो के लिए। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्कूल में आया हूँ, वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ना एक टीचर का कॉन्सेप्ट करूँ। तुम बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब एज एन टीचर कैसे कि मैं ऑडियंस के पास में जाऊँ और मैं उन सबको कहूँ कि तुम सब ना मेरे स्टूडेंट हो, कि मैं स्कूल में आया हूँ और आज मैं हमेशा स्कूल में पढ़ाऊँ तो स्टूडेंट की तरह ही पढ़ाऊँ, आज मैं स्कूल में आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं कूल टीचर बन के आऊँ। तो मस्त अपने शेड्स वेड्स लगा के, जैसे टीचर लोग तो क्या है वो वाली चश्मा लगाते हैं ना जो उनके नंबर नंबर वाला होता है ना, तो अपन की भी शीट लगाएंगे, अपन रॉक स्टार ग्लासेस लगाएंगे क्योंकि वो तो सुपर कूल टीचर्स हैं और अपन सिर्फ कूल टीचर्स हैं, स्कूल टीचर, बस कूल टीचर। वाह वाह क्या बात है। तो ऐसा था मैंने कॉन्सेप्ट सोचा है कि फिर मैं ना उनसे अटेंडेंस भी लगवाऊंगा, यस एक तरफ वाले लोगों को, यस प्रेजेंट प्रेजेंट हैं क्या इस तरफ वाले और उस तरफ वाले प्रेजेंट हैं क्या, इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट। और फिर उनको होमवर्क दूंगा कि उसी टाइम उनको मेरे साथ में एक गाना गाना पड़ेगा, एक क्या दो क्या तीन चार गाने गवाऊंगा अगर उन्होंने अच्छे से गाए मेरे साथ में। अगर कानपुर के जो भी लोग देख रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के जो भी लोग देख रहे हैं, जो इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने आ रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, तो ध्यान रखो अगर तुम सब ने गाना अच्छे से गाया मेरे साथ में तो आज की आज कानपुर में लाइव, वैसे तो उसको टाइम लगने वाला है, पर मैं तुम सबको स्टोरी वर्जन ऑफ कपकेक सुनाऊंगा। हाँ नहीं सिर्फ कानपुर वालों को, क्योंकि कॉन्सर्ट आया ना उनका थोड़ा तरह स्पेशल मिलना चाहिए यार कुछ। तो अगर उन सब ने मेरे साथ में अच्छे से गाना गाया, अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो मैं उनको कपकेक का स्टोरी वर्जन या सबसे पहले, मतलब आप सबसे भी पहले सुना दूंगा लाइव ही गा के। बताओ काश तुम भी कानपुर होते ना, काश होते यार, मेरे को भी मजा आता है। बताओ अपन सब मिलते अच्छे से। अनमोल अग्रवाल कह रहे हैं लाखों निगाह में, मालविका पटेल कह रही हाँ हाँ मस्त है क्या, ये कुछ नया होमवर्क है ना मालविका पटेल, सही आइडिया ना। हर्ष दावी कह रहे हैं गलत फहमिया, हाँ गलत फहमिया भी अपन गाने वाले हैं सॉन्ग। आयुषी सिंह कह रही है हाँ यू कैन ट्राई, इट्स अ नाइस आइडिया है, आयुषी सिंह का आया है रिव्यू की, हाँ ट्राई कर सकता है मोहित, अच्छा आइडिया है, यही तो मुझे चाहिए, तुम सबके रिव्यू चाहिए, तुम सबके सजेशन चाहिए होते हैं मुझे यार, दोस्त दोस्त को तुम सजेशन नहीं दोगे तो कौन देगा यार, बताओ ऐसे तो ना होता, देना पड़ेगा सजेशन। प्रतीका प्रसाद कह रही न्यूजीलैंड को सुनाओ, न्यूजीलैंड को क्या सुनाऊ मैं। हाँ शेख अर्शद कह रहे लव यू भाई, आई लव यू टू। टी आर गांधर कह रहे हैं कूल सर बट डोंट बी स्ट्रिक्ट, अच्छा टी आर अपने टी आर गंधारे ब्रो कह रहे हैं कि
भाई अच्छा आइडिया है, ऐसा करना, पर ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना. तो ठीक है यार, तुम्हें लगता है मैं स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ कभी भी? देखो शक्ल देखो मेरी. मैं स्ट्रिक्ट कभी नहीं हो सकता हूँ. या हो सकता हूँ, किसे बताऊँ? देखते हैं. पर मजा आने वाला है यार, मस्त होने वाला है. मतलब आज का कुछ इंटरेस्टिंग, अपनी हर शो में ऐसे इंटरेस्टिंग सा कुछ करता हूँ मैं. मतलब कुछ अलग सा कुछ होना चाहिए यार, नहीं तो मज़ा नहीं आता. मतलब हर बार कुछ नया, हर बार कुछ अलग. आईआईटी मुंबई का कभी तुम्हें किस्सा सुनाऊंगा कि आईआईटी मुंबई में जब मैंने शो किया था ना कॉन्सर्ट, तब क्या मस्त कॉन्सेप्ट था उसका भी. खैर वो तो बात की बात है, अभी तो अभी की बात करते हैं. मायरा शाम्स कह रही है यार तुम तो मेरे रिप्लाई नहीं देते हो. देखो मायरा शाम्स अभी दे दिया. सत्यम अग्रवाल कह रही है स्केल लेकर जाओ, पनिशमेंट देना. अरे बाप रे, तुम स्ट्रिक्ट हो. ये बात करते सत्यम कह रहा है कि भाई स्केल लेकर जाओ. सत्यम तुम्हें खुद के स्कूल डेज की याद आ गई ना, और मेरे भी स्कूल डेज की याद आ गई. पता है मेरे भी बहुत मारते थे टीचर, और खासकर जब मैं बड़े बाल करके आते थे तो मेरे पीछे पड़ते थे सपोर्ट पट पट. अच्छा शायद बेल बज गई है. जो मेरे मैनेजर ब्रो थे सनप्रीत, उन्होंने कहा था कि 5 मिनट में आ जाऊंगा मैं. आई थिंक वो आ चुके हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर द लाइव कॉन्सर्ट एट कानपुर. सो आई विल सी यू सून. बाय बाय, आई लव यू. थैंक यू बातें सुनने के लिए, थैंक यू बातें करने के लिए, थैंक यू फॉर बीइंग देयर माय फ्रेंड. बाय बाय.